हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस में SI या फिर CAPF में जो आपकी फोर्सेस होती हैं उसमें SI कैसे बनना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, मैं बात करने वाला हूँ SSC CPO 2020 के बारे में। क्या होता है SSC CPO? SSC CPO एक एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट कराया जाता है SSC के द्वारा, और जिसके थ्रू आप दिल्ली पुलिस में SI या फिर CAPF में SI बन सकते हैं। SI का मतलब सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो जिन काफ़ी लोगों को पता होगा इस नोटिफिकेशन के बारे में, और जिन्हें पता है वो भी इस वीडियो को पूरे एंड तक देख सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, क्या कुछ आपको इसमें आवश्यकता है, क्या कुछ इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या कुछ आप इससे इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको एक अनअकैडमी प्लस बैच के बारे में बता रहा हूँ जो कि 22 जून से शुरू हो रहा है। इसी एग्जाम को रख के, और इसमें पूरा फाउंडेशन बैच है, यानी कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपकी इसमें तैयारी कराई जाएगी। और इसमें आपके जितने भी एजुकेटर्स अनअकैडमी पे हैं, काफ़ी सारे एजुकेटर्स पार्ट ले रहे हैं। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के SSC के एजुकेटर्स आप इसमें पार्ट ले रहे हैं। डेडिकेटेड टाइमिंग है हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस होता है बिल्कुल बेसिक से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर किए जा रहे हैं। वीकली क्विज और मेगा क्विज भी आपको मिलेगी। इसमें आपके निखिल शर्मा सर, कमल नैन, शुभम जैन, मैं, परनीत कौर मैम, याशिका टंडन, दिव्याशु वासने, वरुण अवस्थी सर, राहुल अरोड़ा, अंतरा बुयान, नवदीप सिंह रणावत, ये सारे ही टीचर्स इसमें आपको पढ़ाएंगे, और आप इन सभी टीचर्स से इस बैच में पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उसी के बाद आप सारे टीचर से पढ़ सकते हैं। अगर आप 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT को अप्लाई करेंगे, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको फर्दर डिस्काउंट चाहिए या कोई भी अदर क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299117042, जिस पर आपको मैं आपको कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 5400 का मिलता है अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो, और उसके बाद आप जितने भी टीचर्स अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं आप सभी टीचर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बैच की बात, यानी कि अगर आपको पढ़ना है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और 22 तारीख से बैच में पढ़ना शुरू करते हैं हम। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, आज ही SSC ने CPO की नोटिफिकेशन पब्लिश की है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके बात करेंगे कि क्या कुछ इसमें आपको आवश्यकता है और कैसे कैसे आपको इसके लिए पढ़ना है और क्या कुछ इसकी क्वालिफिकेशन है, एवरीथिंग हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है इंपॉर्टेंट डेट्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरा जान लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 17/6, यानी कि 17 जून से शुरू हो रहा है, और आपकी 16/7/2020 यानी कि 16 जुलाई, यानी कि आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 17 जून से लेकर 16 जुलाई तक। तो आप में से कुछ लोग अभी होंगे जो 16 जुलाई का वेट करेंगे और तब जाकर फॉर्म भरेंगे। तो मेरी आप लोगों को एक सजेशन होगा, फ्री के सजेशन होते हैं, आप सभी जानते हैं कि भाई फॉर्म को अभी भर दीजिए, आखिरी डेट का इंतज़ार मत कीजिए। ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म की क्या है, 16/7/2020, और ऑनलाइन पेमेंट भरने की लास्ट डेट है 18/7/2020, यानी कि अगले दो दिन तक आप फॉर्म की डेट भर सकते हो 23:30 यानी 11:30 बजे तक। ठीक है, इसके अलावा ऑफलाइन अगर कुछ लोग चालान जनरेट करते हैं तो उसके लिए 20/7/2020 लास्ट डेट है, और चालान के थ्रू पेमेंट करने की लास्ट डेट है 22/7/2020। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, अगली बात देखो, यहाँ तक तो बात हो गई फॉर्म भरने की, तो फॉर्म भरने की आखिरी डेट आप ये समझ लीजिए कि 17 जुलाई है, 17 जुलाई से पहले पहले फॉर्म भर लीजिए आप सब लोग। ठीक है, अगर बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा आपका, तो एग्ज़ाम की डेट इन्होंने दी है 29/9/2020 से 5/10/2020, यानी कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। ठीक है, यानी कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग डेट्स में, अलग अलग बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये आपका पेपर 1 होगा। ठीक है, पेपर 2 कब होगा, 2021 में, 1/3/2021 को पेपर 2 होगा, यानी Tier 2 आपका जो CPO का है वो 1/3/2021 को होगा। ठीक है, अब बात करें अगर वैकेंसीज की, तो यहां तक होगी। अच्छा, यहां से एक छोटी सी बात CGL वाले बच्चों के लिए कर लेते हैं। आप ये समझ सकते हो कि अगर 29/9/2020 को इसका आपका पेपर 1 हो रहा है, तो CGL का जो Tier 1 है, यानी कि जो 2020 वाला है, वो आप ये मान के चलो फरवरी या मार्च में आपका होगा। ठीक है, वैकेंसीज की बात करें कि कितनी वैकेंसी हैं आपकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो वैकेंसी जो है, पहले तो बात करेंगे किस किस की है। पहली वैकेंसी है आपकी सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ, यानी कि सीएपीएफ की जो फोर्सेज हैं उनमें आपके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इसमें आपका जो पे लेवल है आपका वो है 35,400, यानी कि बेसिक पे जो आपका होगा, शुरुआत आपकी 35,400 से होती है और जो एंड मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स होती है वो 112,400 है। ठीक है, ये थोड़ा आपको कम समझ में आएगा तो मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि आपकी जो सैलरी है वो बनेगी जाके 55,000 के आसपास बनेगी, 50 to 55,000, वैरी करती है हर शहर के हिसाब से। एक्स सिटी में अलग होती, वाई सिटी और जेड सिटी अलग अलग है। ये शहर क्या है फिर किसी दिन बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस की भी सैलरी सेम ही है, तो उसकी भी जो रफ सैलरी है वो 55,000 बनेगी। यानी कि आप ये समझ सकते हो दो वैकेंसी हैं एसएससी सीपीओ के थ्रू, एक है सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ और दूसरी है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। ठीक है, अब जरा बात करें कि कैसे आप कितनी वैकेंसी हैं। तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, ओपन इतनी है, जो भी रिजर्वेशन है सारा कुछ इन्होंने दे रखा है। आप देख सकते हो कि टोटल वैकेंसी जो है आपकी मेल की कितनी है, 91, यानी कि इसीलिए जो दिल्ली पुलिस का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाता है। तो दिल्ली पुलिस में जो मेल की जो वैकेंसी है वो 91 वैकेंसी आपकी दिल्ली पुलिस में है, क्योंकि सभी की फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस ही होती है कि दिल्ली पुलिस में एसआई बनने की। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो आपकी वैकेंसी है वो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए है, और इसके लिए इनके लिए 78 वैकेंसी है। तो दोज गर्ल्स जो थोड़ा फिजिकली एक्टिव हैं और इस तरीके की जॉब्स में इच्छा रखती हैं, ठीक ठाक हैं, 78 वैकेंसीज अच्छी खासी होती हैं, कॉम्पिटिशन आप में उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो 78 वैकेंसीज अच्छी हैं। अगर आप थोड़ा फिजिकल हैं तो आप इसमें ट्राई अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगली बात करें वैकेंसीज की, तो ये हैं सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ जो मैं बात कर रहा था, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसके लिए भी वैकेंसी है। सीआरपीएफ की आपकी टोटल 1072 वैकेंसी है, बीएसएफ में आपकी 244 वैकेंसीज हैं, आईटीबीपी में आपकी 43 वैकेंसीज हैं, सीआईएसएफ में आपकी 20 वैकेंसी हैं और एसएसबी में आपकी 16 वैकेंसी हैं। तो टोटल वैकेंसी जो आपकी बन जाती हैं वो 1395 बन जाती हैं, जो कि अच्छा खासा नंबर है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ में है, तो सीआरपीएफ में एसआई के लिए आप अच्छा खासा इस एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार करके दे सकते हैं। 1395 टोटल वैकेंसी आपकी बन जाती है। ठीक है, तो 1395 हो गई, 1395 वैकेंसी हो गई सीएपीएफ में जीडी के आपके सब इंस्पेक्टर के लिए, और आपकी 91 वैकेंसी यहां से हो जाती है दिल्ली पुलिस में लड़कों के लिए, और आपकी 78 गर्ल्स के लिए हो जाती है। ठीक है, चलिए अगली बात करें, रिजर्वेशन कितना कितना होता है। देखो, तो रिजर्वेशन आपका जितना जैसे होता है वैसे ही होगा। इसमें आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट बात आपको जानने वाली है वो ये है कि आप लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि एक चीज़ ये देख सकते हो, आउट ऑफ द कोटा मीट फॉर एक्स सर्विसमैन 50% ऑफ सच कोटा विल बी रिजर्व फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एक्स सर्विसमैन। यानी कि जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो लोग किसी जॉब में मतलब आर्मी वगैरह में सेवा दे चुके हैं और फिर से इस जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो उसकी जो वैकेंसीज हैं, जैसे वो आपको मैंने आपको वैकेंसी वाली स्लाइड दिखाई, उसमें से जो 50% वैकेंसी है वो ऐसे लोगों के लिए रिजर्व रहेगी जो एनएसजी कमांडो वगैरह एनएसजी में रहे हैं, स्पेशल फोर्सेज में रहे हैं, या फिर आपके क्वालिफाइड इंस्ट्रक्शन उन्होंने किया हुआ है, तो ये उनके स्पेसिफिकेशन है। ऐसे लोगों के लिए 50% सीट्स रिजर्व रहेंगी। ठीक है, अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर वो बाकी सभी के लिए ओपन हो जाती हैं। ठीक, अगली बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग याद रख लीजिए, समझ लीजिए कि एज लिमिट क्या है कैंडिडेट्स के लिए, 20 से 25 साल, 20 to 25 years, यानी कि 1/1/2021 तक को आपको कितने साल का होना चाहिए, 20 से 25 साल के बीच का। यानी कि आपको 2/1/1996 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, आपका 2/1/1996 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2001 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। समझ गए, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1996 से पहले की है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 के बाद की है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में लाया करती है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट। ठीक है, इसके अलावा ये हो गई, इसके अलावा फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई इन दिल्ली पुलिस कैटेगरी कोड्स 12 and 13, तो जो ये वुमेन डिवोर्स्ड वुमेन है उनके लिए अप टू 35 एज है, और इसके बाद आ जाती है इसी में एज लिमिट आपकी विडोज के लिए फॉर 40 years, एससी एसटी के लिए
अनरिजर्व डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए अप टू 30 ईयर्स, ओबीसी के लिए 33 और एससी एसटी के लिए 35। ठीक है, अगली बात आती है सर्टिफिकेट्स की, कब कब सर्टिफिकेट बनवाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओबीसी वाले यह ध्यान रखें, अक्सर मेरे पास मैसेज आता है कि ओबीसी वाले का सर्टिफिकेट चलेगा नहीं चलेगा, तो ओबीसी सर्टिफिकेट वही चलेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि दिल्ली टू कैंडिडेट्स ऑफ ओबीसी जीएनसीटीटी में लिस्टेड हैं उन्हीं लोगों के सर्टिफिकेट मान्य होंगे। ठीक है, और इसके अलावा डेट ध्यान रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग मुझे पता है अभी फॉर्म भरने की डेट है, अभी तुम सर्टिफिकेट बनवाते नहीं हो फिर बाद में परेशान होते हो कि सर सर्टिफिकेट इस डेट के बाद का चल जाएगा क्या, तो ध्यान रखिए क्या लिखा है। अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है तो 16/7/2020 यानी 16 जुलाई से पहले पहले सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आप लोग बाद में बहुत परेशान होते हैं जब सिलेक्शन होने वाला होता है तब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी, और उस टाइम तक आप लोग बनवाए नहीं होते हो फिर बात की डेट होती है परेशान होते हो, तो अभी 16/7/2020 यानी 16 जुलाई 2020 के पहले का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और एससी एसटी वाले भी जिनको भी सर्टिफिकेट बनवाना है वो भी बनवा लें। ध्यान रखिए एसएससी इस पे बड़ा लफड़ा करती है, डेट चेंज नहीं करती है। ठीक है, अगली बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसकी कितनी चाहिए आपको, आपको सिर्फ आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपको इसमें कोई खास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगते हैं, सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए यानी कि आपने कोई भी स्नातक होना चाहिए, बीटेक बीएससी बीए बीकॉम बी कुछ भी किया हुआ है कितने भी परसेंटेज से, परसेंटेज मैटर नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा परसेंटेज नहीं मैटर कर रहा है, आपको पास होना चाहिए, सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में बीए बीएससी बीकॉम जो आपके पास है, आपके पास अगर बैचलर डिग्री है स्नातक है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिक्वायर्ड, एक सेकेंड रुकिएगा, या हाँ, सो कैंडिडेट्स नॉट कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड विल एक्वायर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी इन सपोर्ट देयर ऑफ एज ऑन 1/1/2021 विल ऑल्सो बी एलिजिबल। कहने का मतलब है कि अगर आप में से कुछ लोगों का ग्रेजुएशन अभी फाइनल ईयर चल रहा है और 1 जनवरी 2021 तक आपका अगर ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो आप एलिजिबल हैं, समझ रहे हैं, एक सेकंड बेटा, हाँ जी, अगर आपका ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओनली, उसके लिए जो लोग दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं सभी लोग करोगे, आप लोग ऑब्वियसली सभी की पहली चॉइस वही होती है, तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो याद रखें वो अपना डीएल बनवा लें, उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलएमवी यानी कि मोटरसाइकिल और कार दोनों के लिए, ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट यानी कि जब मेडिकल होगा और फिजिकल होगा आपका तब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हाउएवर द कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव वैलिड लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमबी आर एलिजिबल फॉर अदर पोस्ट इन सीएपीएफ, यानी कि मैंने आपको दो वैकेंसी दिखाई थी, एक दिल्ली पुलिस की एक सीएपीएफ की, तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल हैं, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सीएपीएफ के लिए एलिजिबल हैं लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए नहीं होंगे, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिएगा, जरूरी है। ठीक है, अगली बात करें हाउ टू अप्लाई, तो आप सभी को पता है ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, एप्लीकेशन फी कितनी होती है, तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फी है, और एससी एसटी आपका ईएसएम एक्स सर्विसमैन शेड्यूल ट्राइब्स वुमेन कैंडिडेट सभी के लिए फ्री होता है। ठीक है, कोई भी फॉर्म की पैसे नहीं, फ्री नहीं लगता है। अब बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, पेपर में क्या क्या आता है और किस किस का पेपर होता है, तो ध्यान रखिए सबसे पहले आपका पेपर वन कंडक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका पेपर वन कंडक्ट होगा, ये आपका ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर मोड पे होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, आपके चार सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज यानी कि एक तो रीजनिंग समझ लीजिए, दूसरा जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस जिसे आप जीएस कह देते हैं, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और चौथा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं, अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैसेज कर देना 8299117042 पे। ठीक है, रिफरल कोड आपको नीचे दिख ही रहा होगा। ठीक है, चलिए बाकी चैनल पे वीडियोस भी देख लेना। तो हम बात कर रहे थे कि आपका पेपर वन में क्या होगा, रीजनिंग जीएस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये चार सब्जेक्ट होते हैं।
टोटल जो मार्क्स होते हैं आपके कितने हो गए, चार सब्जेक्ट 50-50 नंबर के हैं, तो 200 नंबर का पेपर हो गया। कितने घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की जीएस, 50 नंबर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 50 नंबर की इंग्लिश। आपको इस पेपर के लिए इंग्लिश अच्छे से तैयार करना है। क्यों करना है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। और पेपर की डेट क्या है, पहले ही बताई मैंने, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब पेपर टू होता है, कब होता है, अभी मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। पेपर टू क्या है, पेपर टू कंडक्ट होगा आपका 1/3/2021 को, यानी कि सितंबर में पेपर वन और आपका मार्च में पेपर टू, इसके बीच का टाइम में क्या होगा अभी बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना तो ही समझ में आएगा। इसमें सिर्फ इंग्लिश आता है, अभी मैं कह रहा था ना कि इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेपर टू है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है, और 200 नंबर की आती है, और 2 घंटे का पेपर होता है इसका। तो पेपर वन में 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, पेपर टू में सिर्फ इंग्लिश 200 नंबर की, समझ गए। चलिए अब देखिए बात करें कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसके अलावा क्या है आपका, जो टीयर वन, सबसे पहले क्या होता है आपका टीयर वन होता है, ठीक है, जो पेपर वन बताया मैंने। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तो सितंबर से मार्च के बीच में फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा अभी बात करेंगे। इसके बाद आपका टीयर टू होगा, पेपर टू होगा, जो कि मैंने बताया इंग्लिश का होगा, करेक्ट। और इसके बाद आपका हो जाता है मेडिकल, तो पेपर वन हो गया, पेपर टू हो गया, उसके बाद आपका हो जाता है मेडिकल, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर वन होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद पेपर टू होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए अगली बात अगर करें कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, तो निगेटिव मार्किंग आपकी -0.25 मार्क्स की होती है, इससे ज़्यादा की निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग आपकी सिर्फ और सिर्फ 0.25 मार्क्स की होती है, ठीक है, क्लियर। तो 0.25 मतलब आपका 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। सो निगेटिव मार्किंग भी है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में हमें तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है। आप तुक्के मारोगे एग्जाम में तो ये आपका दिक्कत करेगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको तुक्के नहीं बिल्कुल भी मारने हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं जरा, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा बस। हाँ, नेक्स्ट बात हो जाती है हमारी नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है आपका मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड ऑन दिस नोटिस। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसके लिए आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक वीडियो दिखेगा जिसमें मैंने समझाया हुआ है कि एसएससी सीपीओ में नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। तो नॉर्मलाइजेशन समझ में आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, तो सभी की जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग होता है, इसलिए आपका सभी को नॉर्मलाइज किया जाता है स्कोर को, और इसलिए नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इसका प्रोसेस क्या है पूरा मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा अगली बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो हाँ, जो एनसीसी, जिन बच्चों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है 1/1/2021 तक का, उनको भी थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उन्हें 10 मार्क्स मिलते हैं, जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उन्हें 6 मार्क्स मिलते हैं, और जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उन्हें 4 मार्क्स मिलते हैं, समझ में आ गई बात आपकी, ठीक है। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है आपकी, वो आपकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर से ही बनती है, यानी कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसी के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक, नॉर्मलाइजेशन समझ में आ गया। अगली बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी सीपीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स को जरूर ध्यान दीजिए। अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो ये एग्जाम है इसमें आपको पता है सेना में या पुलिस में जा रहे हो, तो फिजिकल हमें फिट होना जरूरी है। तो क्या कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, पहले ही मैंने बताया जो स्कीम ऑफ एग्जाम है, मैंने क्या बताया आपको कि पहले टीयर वन, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर पेपर टू। तो पहले टीयर वन क्लियर करना है, फिर हमें फिजिकल टेस्ट देना है, और फिर हमें पेपर टू में जाना है। तो पेपर फिजिकल में क्या क्या आता है, क्या क्या होता है, देखिए मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट दिस और दिस। उनको मेल कैंडिडेट्स नॉर्मली आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 170 मीटर्स हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और चेस्ट आपका अनएक्सपेंडेड होना चाहिए 80 और एक्सपेंडेड होना चाहिए 85। जो हिली एरियाज, जो इन पर्टिकुलर एरिया से लोग आते हैं, उन लोगों के लिए हाइट 165 भी चलेगी और चेस्ट इतना होना चाहिए। जो लोग शेड्यूल ट्राइब्स से हैं उनके लिए हाइट इतनी होनी चाहिए और चेस्ट आपका
कितना होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, हाइट आपका 157 होनी चाहिए, हिली एरियाज के लिए 155 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 154, ठीक है। इसके अलावा बात करें वेट की, तो वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग सही सही होना चाहिए। इसके अलावा पीईटी होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि आपकी एंड्योरेंस, आपकी क्षमता चेक की जाती है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 16 सेकंड में आपको 100 मीटर दौड़ना है, 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस लगानी है और तीन चांस मिलते हैं लॉन्ग जंप के लिए, 3.65 मीटर का आपको लॉन्ग जंप करना है। हाई जंप के लिए भी तीन चांस मिलेंगे, 1.2 मीटर का हाई जंप करना है और शॉर्ट पुट होगा यानी कि गोला फेंक होता है, 16 पाउंड का आपको गोला फेंकना होगा 4.5 मीटर तक डिस्टेंस में, तीन चांस आपको मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर का रेस होगा, 18 सेकंड में 2 सेकंड एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बस, ठीक है। और 100 मीटर रेस होगा 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर और हाई जंप 0.9 मीटर का होना चाहिए। देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। रिलैक्सेशन मिलता है हाइट एंड चेस्ट में, एज मेंशनड अबव विल बी परमिशेबल ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट इन परफॉर्मा एज डिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 8। तो ये कुछ लोगों को ही रिलैक्सेशन मिलता है, आप इसके बारे में नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ लेना, नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पेपर वन फिजिकल टेस्ट ये जो बताया, उसके बाद आपका पेपर टू, आपने तीनों क्लियर कर लिए तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या पूछते हैं, मेडिकल में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, फॉर्म सब लोग भर देते हैं मैंने देखा है, लेकिन ध्यान दीजिए, आपकी आई साइट होनी चाहिए, मिनिमम नियर विजन शुड बी N6 बेटर आई और वर्स आई, दो जैसे क्या होता है कि हमारी दोनों आंखों में विजन अलग अलग होता है, एक आंख में हमेशा बेटर आई होती है एक वर्स, यानी एक आंख में विजन अच्छा होता है एक में खराब होता है। तो मिनिमम डिस्टेंट विजन शुड बी 6x6 बाई बेटर आए और 6x9 बाई वर्स आए, मतलब एक आंख से 6x9 और एक आंख से 6x6 होना चाहिए। इसके लिए आप लोग अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी चश्मे वाले के पास चले जाना, वो आपको बता देगा आपका सही है या गलत है, ठीक है, बिल्कुल चेक करा लीजिए। और देखिए लिखा है विदाउट एनी करेक्शन लाइक वियरिंग ग्लासेस, चश्मे मेरे जैसे नहीं पहनने चाहिए, सर्जरी नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की कोई भी, और राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज बेटर आई एंड वाइस वर्सा, राइट हैंडेड पर्सन के लिए राइट आई जो है बेटर आई है और जो लेफ्ट आई लेफ्ट हैंडेड पर्सन है उसके लिए लेफ्ट आई बेटर आई है, समझ गए। तो आई साइट यानी कि चश्मे नहीं लगे होने चाहिए आपको, ठीक। इसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी, जिन लोगों ने SSB वगैरह की तैयारी की है उन्हें पता होगा, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकॉस वेन नहीं होनी चाहिए, स्क्विंटाइज नहीं होना चाहिए और दे शुड पजेस हाई कलर विजन यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। They must be in good mental health, bodily health, free from any physical defect. किसी भी तरीके का physical defect नहीं होना चाहिए, likely to interfere in the efficient performance of the duties. ठीक है। इसके अलावा आपको ये जो medical standard है बहुत strictly होते हैं CPO में, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको ध्यान से समझिएगा जो लोग बहुत ही seriously तैयारी कर रहे हैं। Tattoo वाले, बहुत सारे लोगों ने tattoo बनवा रखा होगा, तो tattoo सिर्फ special किस तरीके से allow होगा इसको समझ लीजिए। टैटू में कोई रिलीजियस सिंबल होगा तो ही अलाउ होगा, या फिर वो टैटू जो इंडियन आर्मी फॉलो करती है अलाउ करती है। लोकेशन आपकी होनी चाहिए ट्रेडिशनल साइट्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, यानी कि आपके फोर आर्म में हो सकता है यहाँ पर, बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, सिर्फ लेफ्ट आर्म में होना चाहिए, राइट में नहीं होना चाहिए। एंड बींग नॉन सैल्यूटिंग लिम, सिर्फ उस हाथ में हो जो जिससे आप सैल्यूट नहीं करते हो, एंड डॉर्सम ऑफ द हैंड्स विल बी अलाउड, समझ में आ गई। तो टैटू जिन लोगों के लिए है वो लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लें कि उनका टैटू सही जगह है या नहीं, क्योंकि काफी लोग टैटू बनवा लेते हो फिर ये पूछते हैं, मेरे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है। साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, यानी कि आपके जो भी हैंड है जो भी है उसके कंप्लीट पार्ट के 1/4 हिस्से तक में ही टैटू होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके टैटू से इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने से पहले हमने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, पेपर कब होगा, पेपर में क्या आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। स्ट्रेटजी से रिलेटेड चीज़ें वीडियो और बाकी चीज़ों के वीडियो मैं आपको इसी चैनल पर जल्दी प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और सारी जानकारी अगर आपको लगता है कि मिल गई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऑल्सो शेयर कीजिए। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, मैं उसका जवाब कमेंट में दे दूंगा।
और इसके अलावा वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वर्ड पावर मेड इजी की पूरी समरी जो है वो बनी हुई है यहाँ पर ऑलरेडी, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।